तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, अ फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू वांट हिम हर टू पास इट टू यू, चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप एक ट्रेवलर के साथ हो एयरपोर्ट पर, ठीक है, और वहां पर एक इंसान जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसने वो रीडिंग फिनिश कर ली है, अब आप चाहते हो कि वो न्यूज़पेपर आप पढ़ लो, वो आपको दे दे, तो चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करोगे, कौन सा सेंटेंस प्रॉपर रहेगा, करेक्ट रहेगा ये पूछने के लिए कि क्या मुझे तुम पेपर दे सकते हो पढ़ने के लिए। तो सबसे पोलाइट वे जो होगा वो होता है कुड में, कुड, ठीक है, तो कैन पास मी द पेपर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पास मी द पेपर, ठीक है, प्लीज लास्ट में आया है तो ये नहीं, ठीक है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी दूसरे का कोई सामान इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप कैन से करोगे या कुड से करोगे, और कुड सबसे ज्यादा पोलाइट होता है, कैन पोलाइट नहीं होता है उतना जितना कुड होता है। तो कुड से हम पोलाइटनेस शो करते हैं जब हम दूसरे से फेवर चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा न्यूज़पेपर मांगने के लिए, कुड यू पॉसिबली पास मी दी न्यूज़पेपर, ठीक है, सी 10 नवंबर 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आस्क व्हाट इज आवर एम, I can answer in one word, victory. Churchill asks a question and then goes on to answer it. Such a question is. तो मतलब इसमें एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें चर्चिल जो है वो कहते हैं, you ask what is our aim? आप पूछो, ठीक है, आप पूछो कि क्या है इस जिंदगी का मकसद। तो ये क्वेश्चन मार्क के तौर पे भी पूछा गया है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि आप आंसर करो। उसका तरीका ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आज बहुत गर्मी है, ठीक है, मतलब किसी से हम कंफर्मेशन चाहते हैं इस बात का कि गर्मी अगर मुझे लग रही है तो तुम्हें भी लग रही है इस बात की, आप हामी भरो कि यार आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी हो रही है ना, ऐसे पूछते हैं, ठीक है, तो इसका हाँ बहुत गर्मी है यार, तो अपने आप ही हम आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर खुद ही अगर हम दे रहे हैं तो हमारा मुख्य मकसद ये नहीं था कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उससे आंसर पूछें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, आई कैन आंसर इन वन वर्ड विक्ट्री, तो उसने खुद ने ही क्वेश्चन पूछा और खुद ने ही आंसर कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कहलाते हैं रिहोट्रिकल, ठीक है, ये है वर्ड रिहोट्रिकल, जिसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन मकसद क्वेश्चन पूछने का नहीं होता है कि वो खुद जानता है उस बात को, वो खुद ही जवाब दे देता है लास्ट में। तो इस तरह क्वेश्चन रिहोट्रिकल क्वेश्चन कहलाते हैं, सी 10 नवंबर 2012 में ये पूछा गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर वन स्पीकर टू, यानी दो लोगों के बोल यानी बातचीत को दिखा गया है। तो स्पीकर वन कहता है, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, तो ये पूछा गया है, पोलाइटनेस तो है लेकिन मोस्ट अगर ये कुड से स्टार्ट होता तो और भी बढ़िया था, लेकिन कैन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर कहीं कैन और कुड में अगर छाटने के लिए आए तो आप कुड सेलेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे रखा है तो हम कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, ठीक है, स्पीकर वन ने कहा, तो ये बिल्कुल सही पूछा गया है, ठीक है। स्पीकर टू, वाई नॉट, ठीक है, तो वाई नॉट, अब अच्छा एक चीज याद रखना कि यहाँ कुड नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा, कैन भी यूज कर सकते हो आप, कुड भी, लेकिन अगर कहीं दोनों आ गए कैन और कुड तो बेस्ट जो रहेगा वो कुड रहेगा, ठीक है, यहाँ आप कैन से स्टार्ट कर सकते हो, ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में तो कुड सेलेक्ट करा था, क्योंकि वहाँ कैन और कुड दोनों था इसलिए कुड सेलेक्ट करा था, यहाँ सिर्फ कैन है तो ये सही रहेगा, ठीक है। आंसर जो दिया स्पीकर टू ने कहा वाई नॉट, तो पहले वाले ने पूछा कि क्या मैं आपसे पेंसिल ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, और दूसरे वाले ने उत्तर दिया वाई नॉट, क्यों नहीं, जबकि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकली, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरीके से हम नहीं हैंडल करेंगे कि एक क्वेश्चन उसने पूछा और दूसरा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन मार्क, आप जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसका आंसर दोगे, उसका तरीका क्या होगा कि कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, तो इसका मतलब यस यू कैन बोरो माय पेंसिल, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। तो स्पीकर टू ने गलत जो है सेंटेंस यूज किया है, ठीक है, तो ये गलत होगा, तो स्पीकर टू द्वारा जो कहा गया है वो गलत होगा और उस पर मार्क्स कटेंगे, ये पूछा गया है। नीचे वाली कहानी जो दे रखी है, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज व्हाइल असेसिंग स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, इसमें पूछा गया है कि स्पीकर वन और स्पीकर टू में से दोनों ने किसने सही जो है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर नहीं किया है, गलत तरीके से जवाब दिया है, तो वो स्पीकर टू है जिसने गलत आंसर दिया है, तो इसके ही मार्क्स कटेंगे। तो ये ऑप्शन जो होगा, द सेकेंड स्पीकर एज द रेस्पॉन्स इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली, जो रेस्पॉन्स दिया गया है सेकेंड पर्सन द्वारा वो जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है। सी 10 नवंबर 2012 में पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट सेट में पूछे गए होंगे ये क्वेश्चन। 28 पर चलते हैं, योर क्लासमेट हैज जस्ट फिनिश रीडिंग अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट यू वॉन्टेड एंड यू वॉन्ट हिम हर टू गिव इट टू यू, मतलब आपके क्लासमेट ने एक बुक जो है लाइब्रेरी से ली थी, अब वो पढ़ चुका है, आप चाहते हो कि आप उस बुक को पढ़ो, ठीक है, चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, तो आप उससे किस तरीके से
ठीक है, बुक वो बोरो करोगे या उधार मांगोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमने बताया था कि कुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अगर कुड और लेट आ जाए तो लेट ज्यादा पोलाइट होता है, लेट जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कुड कैन और लेट में। तो कैन और कुड इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, लेट में करेंगे, ठीक है। तो जब भी बात तीनों की आएगी तो हम लेट को प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इसका सही होगा, लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज, ठीक है, कि आप अब मुझे बुक पढ़ने के लिए दे दो, लेट मी हैव, मुझे दे दो, ठीक है, मुझे चाहिए। तो कुड और कैन को हम यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि लेट बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कैन और कुड में करेंगे तो कुड करेंगे, ठीक है, कैन कुड लेट में करेंगे तो लेट सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन वन करेक्ट है, ये भी सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट सेट के क्वेश्चन होंगे, ये अलग अलग सेट में पूछे गए होंगे, इसमें तो एक साथ दे रखे हैं। वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज, तो एक लिसनिंग का जो वे है वो है वाइल लिसनिंग, ठीक है। वाइल लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें पैसिव लिसनर होता है, मतलब कि कोई बात ऑलरेडी रिकॉर्डेड बात है और वो सुनी जा रही है, ठीक है। तो इसे वाइल लिसनिंग कहेंगे, यानी शांत वातावरण, वाइल एकदम शांत, ठीक है, वाइल लिसनिंग। तो वाइल लिसनिंग का मतलब है ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोई बात है उसको सुनना, उस कन्वर्सेशन को सुनना। तो ऑप्शन टू उसका सही रहेगा, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ ए नेचुरल कन्वर्सेशन, एक कोई नेचुरल कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कराया, उस रिकॉर्डिंग को आप सुन रहे हो, तो रिकॉर्डिंग को सुनने को हम वाइल लिसनिंग कहते हैं। ये भी नवंबर 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड दिस एक्सचेंज, टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर नियर द वॉल। तो टीचर ने क्या, टीचर कहती है यहाँ ये होने चाहिए थे कोमा, शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर नियर द वॉल। टीचर कहती है शैल वी गो आउट, बच्चों कहते हैं शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं गार्डन में और क्या करने, हम उन फ्लावर्स के नाम जानेंगे, ठीक है, जो दीवार के पास लगे हैं, ये टीचर ने पूछा। अब स्टूडेंट आंसर देते हैं यस 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 ये, टीचर कहती है यस मैम प्लीज, ठीक है, हेयर दी टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको खास बात दिख रही है वो मैं बताता हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि शैल वी गो आउट एक पोलाइट वे है पूछने का, ठीक है, गार्डन फाइन, तो ठीक है। और एक चीज़ और है, स्टूडेंट कहते हैं यस यस ये टीचर यस, ठीक है मैम प्लीज। तो ये जो आपको देख रहे हो प्लीज है, यस मैम, ठीक है, यस ये, तो ये सब जो है पोलाइट सजेशन है, ठीक है, ये पोलाइट सजेशन है। मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग या फिर रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, कंफर्म दिस फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स इस्तेमाल करे गए हैं, ये फ्रेज इस्तेमाल करे गए हैं, ये क्या करते हैं, रिलेट लैंग्वेज फंक्शन, ये लैंग्वेज फंक्शन को किसके साथ रिलेट करते हैं, पोलाइटनेस। तो किस तरीके से लैंग्वेज फंक्शन का इस्तेमाल हम पोलाइट तरीके से कर सकते हैं, तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके प्लीज यस, ठीक है, इस तरीके से हम इसको पोलाइट वे में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी की, इंग्लिश लर्निंग की, ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन की। तो ऑप्शन वन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिसनिंग स्टिमुलस, सीटेट नवंबर 2013 में पूछा गया है, अ लिसनिंग स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस होता है जो आपको उद्दीपक कहते हैं, यानी कोई चीज आपको प्रेरणा दे किसी काम को करने के लिए, आपके अंदर इच्छा जगाए, उसे स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने रसगुल्ले आ जाए हैं और आप भूखे पेट हो तो आपके मुंह से लार टपकने लगेगी, ठीक है, आपका मन, तो ये स्टिमुलस है, आपकी भूख और जागृत हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप देखते हो कि भाई आप गर्मी में जा रहे हो, बहुत तेज धूप हो रही है और आपको कहीं पेड़ का किनारा दिखता है, पेड़ दिखता है, तो आप वो स्टिमुलेट करेगा कि आप जल्दी से जल्दी जाकर और वहां बैठ जाओ। तो स्टिमुलस कहते हैं, यानी जो आपको उत्प्रेरक कह सकते हैं उसको, जो आपके अंदर एक करने की इच्छा जागृत करे। तो अ लिसनिंग स्टिमुलस, यानी एक लिसनिंग स्टिमुलस कौन सा होगा, ठीक है, यानी ऐसी चीज क्या होगी जिससे आपका सुनने का मन करे, ठीक है, आपको स्टिमुलेशन हो लिसनिंग करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है, इनेबल्स स्टूडेंट टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंटेड टास्क, ठीक है, ये अभी होल्ड पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर व्हाट दे लिसन, प्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो होता है जो किसी चीज की कमी को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर आपको भूख लगी और उसके आपके सामने कुछ खाने की चीज आ जाएगी, ठीक आ जाएगी, तो आपकी भूख और तेजी से जागृत होगी, आपको और मन करेगा कि जल्दी से खाना मुझे मिल जाए, तो आपको उस स्थिति में भोजन ने स्टिमुलेट करा। ऐसे ही जब आप कोई इंफॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हो
और उसमें अपूर्णता हो गई, यानी आपको कोई बात बताई जा रही है, देखा होगा आपने, जैसे कोई आपका यार दोस्त है आपको कोई बात बता रहा है और बीच में ही वो बात को जो है खत्म कर दिया, छुपा ले कि बाद में बताऊंगा, तो ये आपको और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि यार मुझे बता दो, बस जल्दी बताओ क्या बात है, बताना ऐसे करके, ठीक है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन का गैप आ जाएगा, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और कोई इन्फॉर्मेशन बीच में से आपको गायब हो गई या कम हो गई या खत्म हो गई या वो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिस हुई है, वो जो गैप है, वो आपको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और जानने के लिए, और लिसन करने के लिए, यार मुझे बता यार क्या है। तो लिसनिंग स्टिमुलस के तौर पर यहाँ काम करेगा इन्फॉर्मेशन गैप। तो प्रेजेंट्स एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये कहानी रही लिसनिंग स्टिमुलस की, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू इन अ सिनेमा स्टार्ट्स टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन एंड यू वांट टू टेल हिम ऑब्लिक हर टू स्टॉप, ठीक है। एक इंसान है जो आप सिनेमा देख रहे हो, आपके पीछे बैठा है, ठीक है, और वो बात करने लग जाता है फोन पर, ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो बंद कर दे इस काम को। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, तो आप इन चारों में से चूज करिए कि क्या कहकर आपको, आप क्या कहकर उसको पोलाइटली, ठीक है, उसको बंद करो, उसको मना करोगे कि आप बात मत करो सिनेमा हॉल में। तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जहां पे आपको कैन कुड, ठीक है, दिखे, बाकी तो सब छोड़ ही दो। तो सबसे पोलाइट वे क्या होता है किसी से किसी चीज को कहने के लिए, वो कुड होता है, ठीक है। कैन और कुड में कुड सेलेक्ट करेंगे, लेट कैन और कुड में लेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुड यू पॉसिबली स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फोन हियर, अच्छा एक चीज है, लेट कैन कुड ये तब सही होंगे, ऐसा नहीं है कि लेट के साथ कुछ और गलत फंक्शन इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, और वो आप कहोगे कि नहीं वही सही होगा लेट वाला। आपको देख लेना है कि तीनों लेट कैन कुड के जो सेंटेंस है वो ठीक है, और फिर उनमें से आप प्रायोरिटाइज करोगे, तो कुड वाला यहाँ बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पहला स्पीकर कहता है, स्पीकर 1, वी हैड एन एंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, यानी पहले आदमी ने कहा कि हमने जो सर्दियों की जो छुट्टियां हैं बड़े मजे से हमने गुजारी। तो स्पीकर 2 कहता है, वेयर डिड यू गो, ठीक है, वेयर डिड यू गो, तो स्पीकर 2 पूछता है आप कहाँ गए थे। तो स्पीकर 1 फिर क्या जवाब देगा, ठीक है, उसको जवाब देना चाहिए था कि वो कहाँ गए, जैसे स्पीकर 1 शिमला, उसने पूछा था, स्पीकर 2 ने पूछा वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, तो स्पीकर 1 का जो आंसर आना चाहिए था वो ऐसा आना चाहिए था, प्लेस का नाम, ठीक है, वी वेंट टू शिमला, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसने स्पीकर 1 ने क्या कहा, वेयर, फिर से क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर लिया जो कि गलत होगा। तो स्पीकर 1 ने जो है गलत कहा है, तो स्पीकर 1 ही गलत है। तो ड्यूरिंग लिसनिंग और स्किल्स असेसमेंट के दौरान जब ये टेस्ट हो रहा होगा कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, तो स्पीकर 1 के नंबर कटेंगे, इसमें यही पूछा गया है, ठीक है, तो स्पीकर 1 हमारा आंसर होगा। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, द इंटरनेशनल रूटीन, अब ये एक जो है फिनोमिनन है द इंटरनेशनल रूटीन, इसकी कहानी है बता दूं, जब भी ये इंटरनेशनल रूटीन वाली बात आएगी ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट, कि स्पीकिंग बोलने का असेसमेंट हो रहा है कि आप कैसे बोलते हो, तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल रूटीन है वो क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल रूटीन का आप मतलब समझ जाइए, तो रूटीन का मतलब इंटरेक्शन मतलब आप बातचीत कर रहे हो और एक रूटीन के तौर पे। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन आपको अपने दिमाग में सेट करना है वो ये है कि इंटरेक्शनल रूटीन का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को भी मौका दें और अपना भी मौका आए, ठीक है, अपने अपने मौके की इंतजार करें, ठीक है, जब अपना अपना मौका खत्म हो जाए तो दूसरों को भी मौका दे इंटरेक्ट करने का, यही कहानी है। तो खुद की टर्न और दूसरे की टर्न वाली बात ऑप्शन में आपको दिखाई देगी, निगोशिएटिंग मीनिंग, ठीक है, कि उसका मीनिंग निगोशिएट करेंगे, मतलब आप अंदाजा लगाओगे इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करेंगे, टेकिंग टर्न्स, हमारा टर्न आएगा, ठीक है, एंड अलाउंग अदर्स टू टेक टर्न्स, और दूसरों को भी मौका देंगे उनके टर्न का, उनको बोलने का, उनको इंटरेक्ट करने का। तो जब भी इंटरेक्शनल रूटीन की बात आए ऑप्शन में आप खोजना, ठीक है, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउंग अदर्स टू टेक टर्न्स, ठीक है, क्योंकि ज्यादा घुसेंगे इंग्लिश में तो टाइम वैसे ही वेस्ट होना है, तो कुछ चीजें हम एज इट इज अपने दिमाग में ग्रांटेड लेके चलें, और जैसे ही इस तरह का वर्ड हमें दिखाई दे हम ऑप्शन में उसको ढूंढे जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, जहां गुंजाइश होगी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जहां आपको मुझे लगेगा कि इन वर्ड्स को फोकस करना है, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं इसलिए एज इट इज याद कर लो उसको, ठीक है, क्योंकि मेन मकसद हमारा किसी को समझाना नहीं है, इस पे पीएचडी करना नहीं है, इस नंबर स्कोर करना है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव तरह का पेपर होता है, उसमें आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 देखते हैं। स्पीकर 1 कहता है, हैव यू बीन टू इंदौर, क्या आप इंदौर गए हैं। स्पीकर 2 कहता है, हु, ठीक है,
स्पीकर वन कहता है टू इंदौर इन मध्य प्रदेश, तो सबसे पहले देखिए स्पीकर वन ने कहा हैव यू बीन टू इंदौर, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, आई हैव बीन टू इंदौर और आई हैव नॉट बीन टू इंदौर। तो जब ये पूछा उसने हु, तो ये गलत, यही गलत कर दिया। एक तो क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा हुआ है, उसने एक क्वेश्चन हो जा, उस क्वेश्चन के जवाब में आपको आंसर देना था ना कि क्वेश्चन पूछना था, तो स्पीकर टू ने गलत कर दिया। ठीक है, तो नंबर किसके कटेंगे, जो स्पीकर टू है, क्योंकि इसने गलत करा। इस तरह के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है वो यही दे रखी है इसमें। ठीक है, तो लैंग्वेज इसमें 10 सेकंड स्पीकर, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36, अ स्टूडेंट रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर सेइंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ स्टूडेंट रिकमेंड द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट, अच्छा एक स्टूडेंट है जो रिकमेंड करता है कि एक लेटेस्ट बेस्ट सेलर कोई बुक है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। ठीक है, वो कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ो। ठीक है, यू लिसन ट्राइंग टू मेक आउट, इसको पढ़ो ठीक है और समझो और ट्राई टू मेक आउट वेदर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंसियर और नॉट। ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि स्टूडेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंसियर है या नहीं। द टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अब इसका मोटा मोटा सा हिसाब ये है कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एक बुक दे दी जाती है ठीक है और उसको बच्चा पढ़ता है, आप असिस करते हो कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसके अंदर से सेंस निकाला है, उसको वो समझ पा रहा है उसमें क्या कहा गया था, उस पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो मीनिंग है वो समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंग समझना, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग या वर्ड का मीनिंग समझना, ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल में आता है। ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया लेना, ठीक है, ये होता है थीम किसी चीज़ की पता करना, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है यानी काम चलाओ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जब आप उसमें डीप नॉलेज, उसका सेंस क्या जा रहा है, उसकी थीम क्या है, उसका अर्थ क्या है, वर्ड्स को समझते हो, वर्ड्स के मीनिंग को समझते हो, सिनोनियम सेंटोनियम, तो ये कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो जब सेंस समझने वाली बात आती है, ऑब्जर्वेशन करने वाली बात आती है, तो उस लिसनिंग को हम कहते हैं, ठीक है, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए मीनिंग्स वगैरह, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स कैसी होती है, लिसनिंग स्किल्स कैसी होती है, जिसमें हम डीपली उनके मीनिंग समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के लिए बस इतने ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। अभी जो बाकी के क्वेश्चन इस चैप्टर से रह गए हैं इंग्लिश पेडागोजी में सीटेट 2019 के लिए, ठीक है, या यूपीटेट वगैरह और जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो इसका एक पार्ट थर्ड और मैं अपलोड करूंगा, जिसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो फिनिश हो जाएंगे। इस तरह से आपके 3 चैप्टर कंप्लीटली मैं डिस्कस करा चुका हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो तीसरा वीडियो अपलोड होगी उसे भी जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको समझ में आई है चीज़ें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों को। ठीक है, और चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए, वीडियो अपलोड होने का पता चल पाए। धन्यवाद।